बस्तर में रामगढ़ चपका तीर्थ स्थान में हजारों श्रद्धालुओं ने महाशिवरात्रि पर कुंड में आस्था की डुबकी लगाई। आपको बता दें कि रामगढ़ चपका बस्तर जिले से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां श्रद्धालु कई मीलों का सफर तय कर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं और आस्था की डुबकी लगाकर दान भी करते हैं। वहीं संयोजक शंकर दास ने बताया कि मार्कंडेय ऋषि ने मार्कंडी नदी के तट पर शिवलिंग विराजमान किया था। यहां पर जल स्रोत अपने आप में भगवान का जलाभिषेक करने निकलता है। बहुत प्राचीन काल से है, हमारे दादा परदादा मेरी वो भी नहीं जानते हैं कब से यहाँ ये स्वयंभू है निकला हुआ है। और मंदिर का निर्माण यहाँ के जो ठेकेदार थे लगभग 80-90 साल पहले उन्होंने करा दिया, फिर मंदिर का निर्माण और स्वयंभू है यहाँ पे दूर के लोग यहाँ आते हैं। पहले तो करीब 1-1.5 महीना का यहाँ लगता ही था मेला, लेकिन कुछ कारणवश जगह जगह इधर उधर मेला हमारे ये चालू हो गया। भक्तगण का इसमें भूमिका रहता है, जिस तरह से बाबा बिहारी दास जी के पुत्र शंकर दास जी का यहाँ पे भूमिका है और यहाँ के जो बस्तर सेवा समिति के नाम से जो चपका में संचालित है इसकी क्या भूमिका है आपको बताएंगे यह शंकर दास। ये बताइए आप कब से आप शिवलिंग के बारे में जानते हैं, कब से आप पूजा अर्चना करते हैं? 50 से उसका बोध हुआ, मैंने अदृश्य रूप में यहाँ पे काम उठाड़ी कि बाबा जी का यहाँ पे साधना करते हैं और उसके बाद फिर सभी आदिवासी गुजरात से फिर इसको एक लोगों के लिए द्वार खोला है, मैंने अदृश्यता रूप में शिव जी यहाँ पे जल के ऊपर में बैठे कम से कम 100 वर्ष के। यहाँ बता सकते हैं कितने श्रद्धालु शिवरात्रि में स्नान दान करने आते हैं और कितने लोग यहाँ पे सिर्फ देखने के लिए आते हैं, यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं? शिवरात्रि में स्नान के लिए हजारों के तादाद में श्रद्धालु गण अपना स्नान करते हैं और इस जल में एक बहुत एक रहस्य भी है, इस जल में आपको मछली नहीं मिलेगा। जब स्कूल में आप देखेंगे तो ये जल में मार्कंड ऋषि की साधना के द्वारा इस जल में कई बीमारियों भी इस जल से दूर होता है, इसलिए शिवरात्रि में ज़्यादातर लोग यहाँ पर लाखों के आसपास स्नान करने आते हैं और शिव जी के दर्शन करते हैं। ये मेला जो है शिवरात्रि का जो मेला है यहाँ पे चपका में, ये कितने दिन पहले चलती थी और अभी उसकी स्थिति क्या? पहले 2 महीने का मेला यहाँ पर पड़ता था, धमतरी महाराष्ट्र से कम्बल सोना जो ज़्यादा होता था, अभी जगह का अभाव है इसलिए अभी शिवरात्रि के 3 दिन का मेला बैठा है। आप बताएंगे यहाँ पे कौन कौन से देवी देवता और भगवान का पूजा करने लोग वाले हैं? यहाँ पे भगवान महाकाल शिव जी हैं और माँ पार्वती के धरती से स्वर निकले हुए हैं, मार्कंड ऋषि हैं, श्री जगन्नाथ जी, बंदौ सुभद्रा जी हैं, भगवान राम चंद्र जी कभी यहाँ पे होते हैं, हनुमान जी, माँ चंद्री जी, सभी देवी देवताओं का यहाँ पे एक स्थान में सभी देवताओं का दर्शन यहाँ पर। अभी जैसे शंकरदास बिना से आपने सुना यहाँ किस तरह से पूजा अर्चना किया जाता है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, कितने दूर से भक्तों का यहाँ पे लाइन लगा रहता है, दांता लगा रहता है पूजा अर्चना के लिए? मैं साधना न्यूज के साथ कार्तिकेश्वर।